जिंदगी रोज मुझसे आगे निकल जाती है और हम कांपते डगों से उसके निशान ढूंढते हैं। मोदी सरकार के रणनीतिकार क्षेत्रीय सूरमाओं के उनके पीएम महत्वाकांक्षाओं को उकेरने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इस योजना में अपने को बखूबी शामिल रखा है। तो पिछले दिनों जब मोदी बंगाल में रैली करने गए तो कई मौकों पर उन्होंने ममता की तारीफ कर दी। मोदी ने दीदी से अपने निजी रिश्ते भी बेहतर रखे हैं। कहते हैं पीएमओ के इशारे पर ही हालिया दिनों में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी साप्ताहिक ने ममता की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें कवर पर छापा है। अगले कुछ दिनों में दीदी दिल्ली आ रही हैं, जहां उन्हें प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज में मेरे सपनों का भारत श्रृंखला में एक लंबा व्याख्यान देना है। मोदी जानते हैं कि ममता के भले ही सोनिया से सुमधुर रिश्ते हों, पर वो राहुल को इतना पसंद नहीं करती और संयुक्त विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के तौर पर वो शायद ही राहुल के नाम पर तैयार होंगी। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों राहुल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो ममता और मायावती को भी समर्थन देने को राजी हैं। मोदी और भाजपा की मूल रणनीति भी इसी बात को लेकर है कि विपक्ष में पीएम पद के इतने दावेदार तैयार हो जाएं कि किसी एक नाम पर सहमति ही ना बन सके। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।